हाँ जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हाँ कि तुसी सब ठीक ठाक होवोगे। फिर इस बारे स्कूल जाना पै रहा वा क्योंकि बेटे दी ऐनकां टुट गईआं, वह ब्रेक टाइम खेड रहा सी। सो स्कूल उस दीआं ऐनकां नवीआं ड्रॉप करन चली गईआं, सैकंड पेयर जो घर हुंदा। ਅਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਬੱਜ ਗਈ ਐਂਡ 11 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਮੈਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। रेलवे ट्रैक ते फाटक बंद ने क्योंकि ट्रेन लंघ चुकी है। सो काफी ज्यादा लंबी लाइन आ ते इतना पहला बटन लपना पैंदा, बैल करनी पैंदी है ता जो डोर ओपन कर सकन। डोर लॉक होंदे आ ऑलवेज। आ देखो इत्थों टुट गई उस दी ऐनक। हुण मैं वेट करती हूँ ऑफिस च कि वह आवे ते आके लै जावे। दोपहर के लंच दे लई बना रही हूँ अज मैं चौल दे नाल मूंगी मसरी दी दाल। मशीन लगाई सी मैं कपड़े धोने वाली, कपड़े धोते जा चुके होने हैं, देखते हैं। मशीन बंद हो गई आ ते कपड़े धोते तो गए, हुण आपां इन्हां नूं सुकण नूं पा देणे। आ वाइट सराणे जो मेरे कोल काफ़ी ज़्यादा पुराने ने, पीले पैने शुरू हो गए ने। सो इन्हां नूं अज मैं धुप्पे पाया क्योंकि धुप काफ़ी ज़्यादा तेज़ सी। पहलां तां काफ़ी ज़्यादा ठंड पैनी शुरू हो गई सी पर पिछले 3-4 दिनों तो काफ़ी ज़्यादा वधिया दिन लग रहे हैं। आस करते हैं कि 3-4 हफ्ते इस तरह ही वधिया लंघ जान। उस तो बाद तो पता ही है कि स्नो पैनी ही पैनी है। प्लांट्स भी अंदर रख लेने क्योंकि ठंड पैन लग गई है। ज़्यादातर मोस्टली उन्हां विंडो के अगे रखे हैं जिथे ज़्यादा धुप आउंदी है ताकि सही तरह ग्रो होंदे रहन, क्योंकि सर्दियों के धुप ना मिलने करके प्लांट की ग्रोथ है जी थोड़ी जी घट होंदी है। सो चंगा होंदा जे जिनी ज़्यादा तो ज़्यादा धुप मिल सके। बेटे के स्कूलों आने का टाइम हो गया, उसका लंच तैयार है। हुण चाह बनाउनी आ अपनी ते अपने बेटे लई क्योंकि बेटी अपना ऑलरेडी अज यूनिवर्सिटी गई सी। सो उत्थे ही उन्हां नूं लंच मिलिया सी, उसने वही लंच खाना वा। ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।